हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज आप सभी से मैं बात करूंगी लो टेस्टोस्टेरोन के बारे में। लो टेस्टोस्टेरोन को हम मेडिकल टर्म में मेल हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं। तो आज हम जानेंगे कि मेल हाइपोगोनाडिज्म क्या होता है, हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम क्यों हो जाता है, इसकी क्या क्या लक्षण होते हैं और लो टेस्टोस्टेरोन को कैसे हम होम्योपैथी द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए बात कर लेते हैं लो टेस्टोस्टेरोन के बारे में। फ्रेंड्स, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन होता है जो कि टेस्टिस में बनता है। टेस्टिस पुरुषों में पाए जाने वाली ग्लैंड्स होती हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती हैं। ये टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन प्यूटिटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होता है। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कम होने लग जाता है, तो उसकी वजह से हमको लो टेस्टोस्टेरोन हो जाता है। फ्रेंड्स, ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है मेल हेल्थ को और मेल सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन करता है। मेल्स में 13-14 साल की उम्र में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ना शुरू होता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे शारीरिक बदलाव आते हैं, बहुत सारे सेक्सुअल डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे कि आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूछे आना, सीने में बाल आना, आर्मपिट्स में हेयर आना, प्यूबिक हेयर डेवलप करना और टेस्टिस और पेनिस का साइज इंक्रीज करना, सेक्स डिज़ायर डेवलप होना, इरेक्शन होना, सेक्स पावर बढ़ना, स्पर्म का बनना, तो बहुत सारे सेक्सुअल चेंजेस आते हैं मेल्स में। फिर ये धीरे धीरे हार्मोन्स का लेवल, जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे इस हार्मोन का लेवल कम होने लग जाता है। लेकिन कुछ लोगों में यंग एज में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लग जाता है, जिसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ में जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, या फिर अगर हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, चिंता तनाव करते हैं तो उसकी वजह से भी टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। साथ ही साथ अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, तो उनकी वजह से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं लो टेस्टोस्टेरोन के आपको लक्षण कैसे देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि टेस्टोस्टेरोन के जितने भी जो फंक्शंस होते हैं वो सारे डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन रहता है, नाइटफॉल की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, लॉस ऑफ लिबिडो रहता है, सेक्स डिज़ायर बिल्कुल एब्सेंट हो जाती है और बहुत ज़्यादा सेक्सुअल वीकनेस रहती है, साथ साथ मेंटल वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है। साथ ही साथ एजोस्पर्मिया, ऑल्गोस्पर्मिया जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है कि स्पर्म काउंट लो हो जाता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी तक देखने को मिल सकती है। और कुछ लोगों में हार्मोन्स कम होने की वजह से लॉस ऑफ हेयर भी देखने को मिलता है, कि उनके जो बियर्ड के जो बाल होते हैं या आर्मपिट की बाल, उसकी डेंसिटी कम होने लग जाती है। तो इस तरीके के लक्षण आपको लो टेस्टोस्टेरोन में देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं लो टेस्टोस्टेरोन को हम होम्योपैथी से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी से मैं तीन मदर टिंचर की कॉम्बिनेशन बताऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का सेवन करने से आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने लग जाएगा। इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने से जो सेक्सुअल वीकनेस होती है वो ठीक होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है वो ठीक होता है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन भी ठीक होता है, साथ ही साथ स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है, इनफर्टिलिटी को भी ठीक करता है और जो मेंटल वीकनेस है, फिजिकल वीकनेस है, उसको भी ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये मेडिसिन टोटली सेफ होती है। और लेकिन आपको इस मेडिसिन का सेवन थोड़ा लंबे टाइम तक करना पड़ेगा। तो जिसमें फर्स्ट मेडिसिन रहेगी अश्वगंधा मदर टिंचर, सेकेंड रहेगी अवीना सटाइवा मदर टिंचर और थर्ड रहेगी एसिड फॉस मदर टिंचर। फ्रेंड्स, तीनों मदर टिंचर को आपको मिक्स करके लेना है। आप 100 ml की खाली शीशी में तीनों मदर टिंचर की 20-20 बूंद को मिला करके रख लें। फिर इस सॉल्यूशन की 20-20 बूंद को दिन में 3-4 बार आप 1/4 कप पानी में लेकर के खाने के आधे घंटे पहले लीजिए। इस मेडिसिन को आप कम से कम 2-3 महीने तक लीजिए तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी टेस्टोसिकाटी, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इसको आपको 3x सैचुरेशन में लेना है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होती है। ये सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन करती है, साथ ही साथ इम्पोटेंसी को ठीक करती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करती है। तो आप इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। इस टेस्टोसिकाटी की 2-2 टैबलेट को आपको दिन में 3-4 बार लेना है। इस मेडिसिन को आप कम से कम 2-3 महीने तक लीजिए, आपको बहुत ही अच्छी। नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी न्यू की इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। अगर आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए आप एग्नस कैक्टस ले सकते हैं। एग्नस कैक्टस आपको 200 पोटेंसी में लेनी है।
इस मेडिसिन की एग्नेस कैक्टस की दो दो बूंद को आप सुबह और शाम अल्टरनेट डेज तक लीजिए, 15 डेज तक लीजिए, उसके बाद इस मेडिसिन को आप स्टॉप कर दीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी न्यूफेल ल्यूटिया, इसको आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर एब्सेंट हो गई है, लॉस ऑफ लिबिडो है, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो न्यूफेस ल्यूटिया आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है, इसकी 10-10 बूंद 1/4 कप पानी में डाल करके दिन में 3 से 4 बार आपको खाना खाने के आधे घंटे पहले लेना है। इस मेडिसिन का सेवन करिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैंने जो ऊपर के 3 मेडिसिन जो बताई हैं, अश्वगंधा, अवीना सटाइवा और एसिड फॉस, ये तीनों मेडिसिन कॉमन मेडिसिन है, ये सभी को लेनी है। इसका आपको सोल्यूशन बना लेना है और आपको टेस्ट सिकाटी भी लेनी है। ये बाकी की जो दो मैंने मेडिसिन बताई हैं, एग्नेस कैक्टस और न्यूफस ल्यूटिया, ये आपको ऑप्शनल है। आपको अगर लक्षण है तो आप इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने लग जाएगा। साथ ही साथ आपको जो फिजिकल वीकनेस आ गई है, जो सेक्सुअल वीकनेस आ गई है, वो भी आपकी धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। इन मेडिसिन को लेने के साथ साथ आपको कुछ डाइट को भी फॉलो करना है, जैसे कि आप हेल्दी डाइट को फॉलो करें, वाटर इनटेक बढ़ाएं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, अपने स्ट्रेस को आप दूर रखें और अच्छी नींद लें और थोड़ा बहुत मेडिटेशन करें, तो आपको ये जो प्रॉब्लम है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।